Hello friends, welcome to the Car Guide. My name is Rishabh and today we have the i20. का एक सिंपल वॉक अराउंड नहीं है, चलो ये टॉप मॉडल है, इसका ऑप्शन, लेकिन ये वीडियो बहुत स्पेशल है। उसका रीज़न ये है कि अब जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, प्राइजेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। जितनी भी वीडियो में शूट करूँगा, जितनी चीज़ें आपको बताऊँगा कि ये अच्छी है, ये बुरी है, फलाना ढमकाना, वो प्राइस के अकॉर्डिंगली बताने वाला हूं। क्योंकि अभी तक आपने जितनी i20 की वीडियोज़ देखी होंगी, वो उन लोगों को प्राइस का नहीं पता था। अभी कोई बोलेगा मोस्ट डिटेल्ड है, कोई बोलेगा कि हम लोग इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगी, और कई लोग ये भी बोलेंगे कि ये 5-5 लाख की गाड़ी लॉन्च होने वाली है। तो उन चीज़ों पर यकीन ना करें। अब हम इसका डिटेल वॉक अराउंड करने वाले हैं। एस्टा ऑप्शनल द टॉप मॉडल, और प्राइस हमें ऑलरेडी पता है, चार्ट आ चुका है, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर पूरा चेक करने वाला हूँ। यहाँ पर एक बार प्राइस चार्ट लगाता हूँ। एस्टा ऑप्शनल के जो जो मॉडल्स हैं उनके प्राइस भी यहाँ पर लिख देता हूँ। दिस इज अवेलेबल विद द 1.2 मैनुअल, 7 DCT एंड द डीजल मैनुअल एज वेल। प्राइसिंग ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगी है, बट लेट्स फाइंड आउट कैसी क्वालिटी है, कैसी इसकी चीज़ें हैं, जो फीचर्स हैं, और इंजन ऑप्शंस के बारे में प्राइस एप्रोप्रिएट है या नहीं, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। जब भी हम किसी गाड़ी को देखने जाते हैं, सबसे पहले निगाह जाती है उसके फ्रंट फेस पे। तो फ्रंट फेस के हिसाब से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ऑल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बहुत ही प्यारे लगते हैं। LED DRL इसको और हाईलाइट कर देते हैं। इंडिकेटर्स आपको हालांकि हैलोजन बल्ब वाले ही मिलेंगे, प्रॉपर LED नहीं है, बट इट लुक्स रियली रियली गुड। नीचे आपको भी यहाँ पर येलो, लेकिन प्रोजेक्टर में आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लाइक उसकी बीम प्रॉपर रहती है, जिसकी वजह से फॉग्स में डेफिनेटली काम आते हैं। फॉग लैंप्स का पर्पस जो है वो इसी से वैसे पूरा सॉल्व होता है। एयर कर्टन आपको यहाँ पर मिल जाता है, दिस इज़ नॉट फेक, दिस इज द परफेक्ट एयर कर्टन। इसकी हेल्प से क्या होता है कि टायर एक तो ठंडे रहते हैं, और एरोडायनेमिक की वजह से आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाती है। हाईवे पे स्टेबिलिटी भी रहती है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। ऐसी ही नहीं, इस सेगमेंट की बेस्ट माइलेज दे रही है ये i20। अगर इसी तरफ थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे तो आपको ग्रिल की ऑप्शन भी मिल जाती है यहाँ पर, जो कि डार्क ज़्यादा दी गई है। नॉर्मली गाड़ियों में आपको क्रोम 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 लिखेगा, इसमें ऐसा नहीं है, वाइट के साथ बल्कि ब्लैक ज़्यादा एक इसको हाईलाइट कर रहा है। एंड नीचे की तरफ भी अगर देखेंगे तो ड्यूल टोन बम्पर की वजह से हाईलाइटेशन जो है वो प्रॉपर मिल जाती है। ह्यूंडई का बैज यहाँ पर पूरा मिल जाता है, एंड जो पूरा बोनट का डिज़ाइन आता है स्लोपिंग, काफ़ी स्पोर्टी फील डेफिनेटली करता है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज। अब i20 परचेज करें तो पुरानी गाड़ी भी कोई सेल करनी होगी कि नहीं, तो उसके लिए Cars24 एक जेन्युइनली बहुत अच्छी ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपनी गाड़ी की फ्री इंस्पेक्शन करवाएं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, उसके साथ साथ आपको RC ट्रांसफर भी फ्री मिल जाती है, इंस्टेंट पेमेंट की ऑप्शन भी है, तो उसे चेकआउट जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी चेक करें, अपनी पुरानी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू जानें। बात करता हूं इसी गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो 16 इंचेस के बहुत ही प्यारे आपको ड्यूल टोन में मिल जाते हैं यहाँ पर अलॉय व्हील्स इसके। एंड अगर प्रॉपर सेक्शन की बात करूँ तो 195 आई थिंक ठीक है विड्थ, एंड अच्छी लगती है, ग्रिप आई थिंक बढ़िया रहेगी, लेकिन वो जब ड्राइव करेंगे ना एक दो दिनों में तब बेटर पता लगेगा। तो सब्सक्राइब किया कि नहीं किया उसे ज़रूर कर लें, तभी आप ड्राइव रिव्यू मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको ऑफकोर्स ORVM मिल जाता है विद द टर्न इंडिकेटर, वहाँ क्योंकि साइड पर नहीं है आजकल, टर्न इंडिकेटर्स पर जो टर्न इंडिकेटर है वो ORVM पे ही मिलता है। क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, लेकिन बता दूं यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है ऑन दी पैसेंजर साइड, ऑफकोर्स आपको ड्राइवर साइड मिलेगा। यहाँ पर क्रोम की पूरी बेड लाइन दी गई है पीछे तक, जो यहाँ पर इसको काफ़ी हाईलाइट करती है स्क्वार्टर विंडो के साथ। पूरे पिलर्स की अगर बात करूँ तो फर्स्ट पिलर आपको मिलता है वाइट, पी पिलर आपको मिलेगा ब्लैक, सी में भी आपको एक कॉम्बिनेशन ड्यूल टोन दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ऑफकोर्स इसका वाइट आ जाता है। साइड पे भी पूरी क्लैडिंग है i20 की, आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। रही बात इसके बैक प्रोफाइल की, जो मेरे को वैसे काफ़ी अच्छी लगी, जो इसका फ्यूल टैंक है ना वो ये है, अभी मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा, मेरे को आगे से गाड़ी अनलॉक करनी पड़ेगी, बट वो दिखाऊंगा ज़रूर आपको। नहीं हो जाता है, दिस इज़ द फ्यूल लिड, जो बड़ी ही आसानी तरीके से छुपाया गया है इसके साथ, इसी डिज़ाइन के साथ, लुक्स रियली गुड है, छोटी सी चीज़ लेकिन वो इंप्रेसिव ज़रूर है। बैक प्रोफाइल को और डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर आपको LED टेल पूरे यहाँ पर मिल जाते हैं विद क्रोम लाइनिंग, लेकिन अंदर आपको हैलोजन बल्ब भी मिलेंगे फॉर द इंडिकेटर एंड द रिवर्स लाइट। i20 की बैजिंग यहाँ पर पूरा क्रोम स्ट्रिप एंड टू एंड यहाँ पर, जैसे कि आपको ऑरा में था, ऑरा में भी इसी तरीके से था। Hyundai का बड़ा सारा बैज मिल जाएगा। सेंसर की बात करें तो दो आपको मिलेंगे, एक और दो, कंपनी कहती है ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जब दो अच्छे से काम कर रहे हैं तो चार लगा के कॉस्ट क्यों बढ़ाएं। बात करें और पीछे की तरफ तो शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हाई स्टॉप लैंप, डिफॉगर्स के साथ साथ वाइपर, एंड आपको वॉशर की ऑप्शन भी वहाँ पर दी गई है। ब्लैक ये कहाँ, कौन सी गाड़ी में देखा है आपने,
इसी कंपटीशन में या किसी में, नीचे कमेंट करके बताएं, नाम नाइल तो अच्छा है। स्किड ब्लेड इसकी काफ़ी मेरे को स्पोर्टी लगती है बिकॉज इस तरह के ये फिन्स दिए गए हैं जिससे एरोडायनेमिक और लगती है एंड थोड़ी सी एसयूवीश लुक आती है अगर सिर्फ इतने इतने को देखें। ऑफकोर्स दिस इज़ द हैचबैक, यहाँ पर आपको कैमरा कैप्शन मिल जाएगी, ऑफकोर्स यहाँ पर नंबर प्लेट की। बूट स्पेस की अगर बात करें तो 311 लीटर्स की बहुत ही मैसिव बूट स्पेस है, हैचबैक्स में, प्रीमियम हैचबैक्स में एक अच्छी मानी गई बूट स्पेस जब 300 क्रॉस कर जाती है। और अगर बात करूँ इसके एक स्पेशल फीचर की जिसकी वजह से लोग i20 को बहुत पसंद कर रहे हैं, द सनरूफ। ऐसा ऑप्शन में आपको सनरूफ ही मिल जाती है विद द 1.2 लीटर मैनुअल, डीजल ऑप्शन भी और DCT के साथ भी। शुरुआत में करना चाहूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी से बिकॉज अंदर आते ही आपको ना वो डेफिनेटली फील होती है, स्पेसिफिकली जब आप दरवाज़ा बंद करते हो तो आपको काफ़ी बढ़िया थंपिंग साउंड आती है जिससे एक एश्योरेंस मिलती है कि हाँ भाई गाड़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की है एंड उसी के लिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। ऑनेस्टली बात करते हैं इसके बाकी फीचर्स के बारे में तो ऑफकोर्स द 10.25 इंच टच स्क्रीन इज़ दी हाईलाइट जो आपको मिल जाती है सेल्टोस में, सोनेट में एंड ऑफकोर्स आपको मिल जाती है क्रेटा में भी। एंड ये आपको एक बताती है कि हाँ जो साउथ कोरियंस हैं हमारे किया है न्यू इंडिया काफ़ी सीरियस है टेक्नोलॉजी मैटर्स में एंड यंगस्टर्स के लिए मोस्टली इन्होंने प्रॉपर गाड़ियाँ बनाई है, यूथफुल कार्स हैं, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी फीचर्स इन्होंने दिए हैं। अब इस टच स्क्रीन में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और 50 कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं एंड आपको 3 ईयर्स फ्री रोड से असिस्टेंस, 3 ईयर्स की ब्लूलिंग सर्विस एंड हेलो ब्लूलिंग वाला फीचर भी मिल रहा है कि हेलो ब्लूलिंग टेम्परेचर, हेलो ब्लूलिंग व्हाट इज़ द वेदर, हेलो ब्लूलिंग ये कर दो वो कर दो फलाना ढिमकाना सब कुछ मिलेगा आपको। डैशबोर्ड की बात करूँ क्वालिटी पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर मैं आगे फीचर्स पे और करूँगा बिकॉज क्वालिटी इज़ रियली गुड। मैं बार बार क्वालिटी पे आ रहा हूँ बिकॉज उसका i20 के साथ ना मेजर यही है कि क्वालिटी में आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिया गया है, हर जगह आपको एक प्रीमियम प्लास्टिक, प्रीमियम लेदर एंड प्रीमियम स्टिचिंग, कोई पैनल गैप्स नहीं कुछ नहीं एंड हर जगह मतलब हर एक जगह यहाँ पर भी सॉफ्टनेस पूरी भी कुशनिंग दी गई है फॉर योर शेड्स प्रोटेक्शन के लिए, सनरूफ के जो बटन्स हैं एंड मतलब लिटरली सब कुछ। अब एक ही चीज़ का नाम लेना बहुत लंबा चला जाएगा बट क्वालिटी वाइज नो इश्यूज देयर एट ऑल, 100 out of 100। बात करें बेसिक फीचर्स की तो यहाँ पर आपको डिजिटल मिल जाता है इसका क्लस्टर, सेंटर में पूरी MID और जो डायल्स हैं वो आपको डिजिटल मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स विद वॉइस कमांड्स, वॉल्यूम कॉल रिजेक्ट मोड्स, क्रूज कंट्रोल उसके साथ साथ यहाँ पर नेविगेट करने के लिए ओके शोके करने के लिए, एंड लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाते हैं वाइपर कंट्रोल्स, राइट साइड पे आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड लाइट कंट्रोल्स आपकी ऑप्शन मिल जाएगी, हेडलाइट ड्राइवर यहाँ पर है, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी आपको इसमें मिलता है, इसका बटन राइट साइड पे मिलेगा और आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती है। AC के बटन्स हैं वो बहुत बहुत प्रीमियम है एंड मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, स्पोर्ट्स कार्स की डेफिनेटली मुझे याद दिलाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ऑफकोर्स वही बटन्स मिल जाते हैं फॉर योर AC, रियर, फ्रंट एंड ऑटोमेटिक AC का ऑफकोर्स एंड आप उसे यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। देन ऑल्सो यू हैव दी वायरलेस चार्जिंग, इसका पैड काफ़ी बड़ा है, बड़े से बड़ा फ़ोन बहुत ईजिली आ जाएगा। USB ऑप्शन 12 वोल्ट का सॉकेट 120 वॉट तक सपोर्ट करता है, एक फास्ट चार्जिंग USB है, एक USB इज़ फॉर दी एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। सनरूफ ही एक मेजर हाईलाइट है जिसकी वजह से लोग इस हैचबैक की तरफ भाग रहे हैं टेक्निकली, और किसी भी और गाड़ी में इस सेगमेंट में आपको यहाँ पर सनरूफ नहीं मिलती है, और कोई छोटी मोटी सनरूफ नहीं, प्रॉपर फुल साइज़ आपको इसी सनरूफ मिलती है, नॉट पैनोरामिक बट इलेक्ट्रिक सनरूफ जो होती है यहाँ पर आपको। ये बस मैं चाहता था कि इलेक्ट्रोकॉमिक मिल जाता तो बढ़िया था, दिस इज़ मैनुअल एंड उसकी वजह से थोड़ा लगता है कि पैसे इतने दे रहे फीचर पूरे दो। यहाँ पर आपको मिल जाते सनग्लास होल्डर विद कुशनिंग, इस तरफ आपको मिरर या लाइट नहीं है और इस तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ मिरर मिलता है नॉट दी लाइट, उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। गियर नॉब थोड़ा सा छोटा लगता है, दिस कुड हैव बीन अ लिटल बेटर, थोड़ा बड़ा लगता अच्छा लगता है। फीचर में एक चीज़ और है, एयर प्योरीफायर, ये वाला इनबिल्ट नहीं है, दिस इज़ डिटैचेबल और ये एक्स्ट्रा स्पेस आपकी लेता है जहाँ पर कप रखने की नॉर्मली जगह होती है, एयर प्योरीफायर पड़ा होगा तो आप सिर्फ एक ही कप रख पाएंगे, बट ये वेन्यू वाले से थोड़ा सा छोटा है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, बट सोनेट वगैरह में इनबिल्ट आता है वो रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टोरेज की ऑप्शन यहाँ पर थोड़ी सी दी गई है, हालांकि ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग भी है जिसकी वजह से आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं एंड ड्राइवर कंफर्ट की बात इजी में आ ही रही है तो यहाँ पर आपको डेड पेडल भी दिया गया है विच इज़ गुड, साइज़ अच्छा है, शेप अच्छी है और बिल्कुल सही उसकी एरिया है जहाँ पर आप अपना पैर रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर ऑफकोर्स मिल जाता है, दिस इज़ ऑल्सो कूल्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। बहुत सारे फीचर्स और हैं जैसे कि बोस के स्पीकर्स, 7 बोस स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें लेकिन फिर भी रह जाएंगी तो यहाँ पर मैं लिस्ट आपके लिए कर देता हूँ। ह्यूंडई कंपनी स्पेस को काफ़ी हाईलाइट करेगी तो हम उसको डेफिनेटली चेकआउट करेंगे। अभी मैं आगे बैठा हूँ, सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूँगा, माय हाइट इज़ 5859 एंड यहाँ पर मैं पूरा जब आता हूँ तो उस कर रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा पीछे करूँगा प्रॉपर कंफर्ट के लिए ताकि अब मैं इजीली बैठ सकता हूँ, ग्लव बॉक्स भी खोलना हो तो वो खोल सकता हूँ एंड बैक थोड़ी सी मैं आगे थोड़ी सी ऐसे कर सकता हूँ। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ पीछे देखते हैं कितनी स्पेस बच जाती है।
अब उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ डेफिनेटली मेरे पास काफ़ी जगह बच जाती है। आई फील कि मैं उस सीट को थोड़ा और पीछे करके और कंफर्टेबल हो सकता था। लेग रूम तो बहुत अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट की थोड़ी सी मेरे को कमी महसूस होती है, एक सेकंड मैं माइक निकालूं यहाँ से। अंडर थाई सपोर्ट की मेरे को थोड़ी सी कमी महसूस होती है, बट ओवरऑल अगर इस सेगमेंट की बात करूँ आई थिंक बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बैक सपोर्ट इज़ रियली गुड, कुशनिंग इज़ रियली गुड, एंड मुझे उस तरफ से किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं। अब देखो इतने पैसे पे करें तो क्वालिटी और कम्फर्ट तो आपको मिलेगा ही। अब लोगों ने पीछे भी तो बैठना है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो व्यू मेरे को काफ़ी अच्छा मिल जाता है, एक बड़ी गाड़ी जैसा फील होता है, एंड हैचबैक से तो डेफिनेटली बड़ा फील होगा। उसके अलावा अगर मैं कंफर्ट की बात करूं, जैसे मैंने दिखाया लेग रूम अच्छा मिल जाता है, शोल्डर रूम भी आई थिंक ठीक है, तीन लोग बैठ पाएंगे, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। हेडरेस्ट हालांकि दो लोगों के लिए दिया गया। अब जो तीन लोग बैठ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट ऑफकोर्स वो बैठ पाएंगे। आमनेस मैं इसकी खोल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। हम जुगाड़ू बंदे हैं, खोल लो भाई। इसमें आपको कप होल्डर नहीं मिलता, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक आर्मरेस्ट मिल जाती है, लेकिन इसकी कुशनिंग अच्छी है, थोड़ी ऊपर को जाती है, सही है। लेकिन मेरे को जो सबसे चीज़ लगी पता पीछे बैठ के वो कौन सी, वो है सनरूफ। एक लगता है कि हाँ हैचबैक में भी सनरूफ है, ये इंडिया में पहली बार हुआ है। कंफर्ट सिर्फ बैठने का नहीं होता, फील करने के लिए भी होता है। तो एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और आपको मिल जाता है एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, जहाँ पर यहाँ पर अपना फ़ोन या कुछ और भी रखना चाहते हो तो रख पाएंगे। एसी की कूलिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन अब पता है क्या है, मौसम भी अब ठीक हो गया है तो हो सकता है उसकी वजह से लग रही हो, बट हुंडई की वैसी एसी की कूलिंग बढ़िया होती है। तो ये था i20 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स, लेकिन बहुत सारे फीचर्स फिर भी रह गए हैं, तो अंदर भी लिस्ट किए थे, यहाँ पर भी दोबारा एक बार लिस्ट कर देता हूँ, और प्राइस चार्ट भी यहीं पर दिखा देता हूँ आपको। अब मेरा ओपिनियन, i20 ऐसा ऑप्शनल थोड़ी सी मेरे को प्राइजी लगी है, लेकिन अगर जिन लोगों को फीचर्स का शौक है और i20 का नाम चाहिए, बिकॉज ग्लोबली 25 लाख i20 सेल हो चुकी हैं, 10 लाख तो इंडिया में ही हुई हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि i20 किसी को पसंद नहीं है। तो जिसको i20 ब्रांड के साथ जुड़ना है उसके लिए ये प्राइस ज़्यादा नहीं है, डेफिनेटली आपको i20 परचेज करनी चाहिए। और अगर आप पंजाब से हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक नंबर छोड़ा, इस पर कॉल कर लीजिए और बता दीजिए कि आपको नंबर कहाँ से मिला है, आपको i20 पे बेस्ट रेट्स और क्विकेस्ट डिलीवरी मिल जाएगी। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द i20। उम्मीद है वीडियो यहाँ तक देखी है, अच्छी लगी होगी, लाइक करके जाइएगा। ऑन रोड प्राइस चेक करने है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, उसे जरूर चेकआउट कर लें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।